हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की डिमांड पर आई केम अप विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएफटी के ऊपर। मैं बेसिकली फॉलो कर रही हूँ एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का सिलेबस, बट जो यूनिट टू है वो पूरा ईएमएफटी ही है। अगर आप ईएमएफटी वाले सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो देन ऑल्सो दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सारे क्वेश्चन देखिए, वी हैव 113 क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस कंपाइल करें, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन है गॉज़स लॉ से रिलेटेड। क्वेश्चन है गॉज़स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यूजेस सरफेस इंटीग्रल स्टेट ट्रू और फॉल्स। जो गॉज़स लॉ है, क्या वो सरफेस इंटीग्रल यूज करता है? अकॉर्डिंग टू द गॉज़स लॉ, क्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, जो कि जहां पर डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। सो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ओवर डी एस है, तो ये आंसर ट्रू है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्स लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम द गॉज़स लॉ, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। सो गॉज़स लॉ क्या था? क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। अब यहाँ पर जो डी है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, राइट? और यहाँ पर जब हमें इंटीग्रेशन करना होगा, अगर हम एक स्फीयर को एज्यूम कर लें, लेट्स एज्यूम अ स्फीयर, इंटीग्रेशन ऑफ स्फीयर ओवर डीएस क्या हो जाएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? सो 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर डीएस, राइट? सो क्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी। अब क्या करेंगे, डी को लिख देंगे एप्सिलॉन ई, क्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन ई। सो इसको हम ले लेते हैं क्यू वन। अब जो ई है, ई क्या होता है? फोर्स अपॉन क्यू टू ले लेते हैं इसे, ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू टू। सो क्यू वन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन एफ अपॉन क्यू टू। सो अब क्यू टू को इधर ले जाइए, क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर सिर्फ एफ बचा है। सो ये क्या था? ये हमारा कूलम्स लॉ था। कूलम्स लॉ डिराइव हो गया है गॉज़स लॉ से, सो आंसर है ट्रू। इवेल्युएट द गॉज़स लॉ फॉर डी इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 आई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट विद आर इज इक्वल टू 4 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमें गॉज़स लॉ इवेल्युएट करना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस करेंगे, राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस को कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं और इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट डी डी वी, राइट? सो डेल डॉट डी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो डी गिवन है सिर्फ आई कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या करेंगे, इसे डेल बाय डेल आर से डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, 10 आर अपॉन 4, राइट? सो यहाँ पर जब 10 आर अपॉन 4 आया, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 आर अपॉन 2। आर की वैल्यू जब आप 4 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 10। सो ये तो हो गया हमारा डेल डॉट डी। डेल डॉट डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। इंटीग्रेट क्या करना है, ओवर डी वी। सो इंटीग्रेशन करेंगे डेल डॉट डी को ओवर द डी वी। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10 को आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव पे इंटीग्रेट करेंगे। आर की वैल्यू क्या क्या लेंगे, लिमिट्स लेंगे 0 से लेकर 4 तक आर के लिए। अगर थीटा को देख रहे हैं, थीटा की लिमिट्स गिवन है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक लेंगे, राइट? अब क्या करेंगे, फाई को 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। फाई की रेंज 0 से पाई ही रहती है। सो जब आप ये इंटीग्रेशन कर देंगे, अब नाउ इंटीग्रेशन, यू नो थीटा फाई और आर में डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 588.9 आ जाएगा आंसर। ट्राई करिए, पुट इट इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। कंप्यूट द गॉज़स लॉ फॉर डी इज इक्वल टू 10 रो क्यूब अपॉन 4 आई इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट विद रो इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 5। सो अब अगेन हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल डॉट डी निकालना पड़ेगा। डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो, सो डेल डॉट डी क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3 रो स्क्वायर अपॉन 4। रो की वैल्यू क्या है, 4 है। सो क्या जाएगा आंसर, 10 इंटू 3 इंटू 4 वो हो जाएगा 120, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
इंटीग्रेशन होगा ओवर रो ऑफ आई एंड जेड, जेड की वैल्यू गिवन है 0 से लेकर 5 तक है, सो यहाँ पर जेड की वैल्यू हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 5, राइट। उसके बाद हमने क्या लिया, हमने रो की वैल्यू ले ली 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि फाइव की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइव की वैल्यू हम 0 से लेकर 2π तक ले लेंगे, राइट। सो रो फाइव जेड के इंटीग्रेशन लिमिट्स पता लग गए, हमें डेल डॉट डी वैल्यू पता लग गई जो कि थी 120। उसके बाद क्या करेंगे, रो डी फाई डी जेड पर इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6400π। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अगेन इट इज अ लेंथी क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन है, इंक्रीमेंटल पाथ इज गिवन बाय, इंक्रीमेंटल पाथ डीएल गिवन है, वर्क डन निकालना है इन मूविंग अ 2 mC चार्ज अलोंग द पाथ इफ द लोकेशन ऑफ द पाथ इज एट 0 to 5, राइट। सो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, -QE.dL। सो माइनस क्यू, क्यू क्या है 2 mC, सो -2×10⁻³। ई डॉट डी एल करना है, ई गिवन है, डी एल गिवन है, तो ई डॉट डी एल आप निकाल सकते हैं 6y² z को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24y² z आ जाएगा विद आई कैप, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, सो यहाँ पर आई कैप हम हटा देंगे, आई कैप डॉट आई कैप हुआ है, राइट। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आंसर जो आएगा वो स्केलर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 12xyz है, उसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60xyz। 6xy² है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, सो -12xy², राइट। सो जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे, इसमें अब आपको क्या सॉल्व करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। सो एक्स की वैल्यू 0 है, ये टर्म ऑलरेडी 0 हो जाएगा, -2×10⁻³ बचेगा, -24 बचेगा, इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा 2² × z = 5। सो जब आप आंसर निकालेंगे आपके पास आएगा 0.72। यहाँ पर भी mm है तो उसको देखना मत भूलना, 10⁻⁻¹ का फैक्टर इसकी वजह से भी आएगा। सो अब यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी पोटेंशियल गिवन होता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टीचर्स का फेवरेट रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। सो अब हमें पता है वी क्या है, वी तो गिवन है, ग्रेडियंट निकालना आता है, हम क्या करेंगे जो गिवन वी है उसे एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के साथ तो हमारे पास आएगा 4xy, राइट, इसके साथ आई कैप लगा देंगे, प्लस अब क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2x² बचेगा, इसके साथ j कैप लगा देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z -5k कैप। सो अब ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, बट ये जो आंसर है, आंसर तो गिवन है हमारा मैग्नीट्यूड जो कि एक स्केलर है, स्केलर के लिए निकालने के लिए हमारे पास जो आया है वो है वेक्टर। पहले क्या करेंगे पॉइंट्स पुट कर देंगे, देन ऑल्सो इट वुड बी वेक्टर, उसके बाद क्या करेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। 4×x की वैल्यू क्या है -4×y है 3, राइट, आई कैप, प्लस 2×4² -4² हो जाएगा 16×j कैप -5k कैप, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा नाउ 4×4 = 16, 16×3 करेंगे -16×3i कैप +32j कैप -5k कैप। बस अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या होता है, √x² + y² + z² जेड क्या है -5, वाई क्या है 32 और एक्स क्या है -16×3। तो आप देख लीजिए क्या आंसर आएगा, इट वुड बी कमिंग = 57.905। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हमें क्या करना है पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V = −∫ E·dl। सबसे पहले आपको dl वेक्टर निकालना पड़ेगा, जो गिवन पॉइंट है उससे आप dl वेक्टर निकाल देंगे। dl वेक्टर क्या होता है x2 - x1 आई कैप, सो 2 - 1, x2 क्या है 2 x1 है 1, सो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 आई कैप, प्लस 1 - ऑफ -1 j कैप, सो 2 j कैप,
प्लस थ्री माइनस जीरो के कैप, सो हो जाएगा थ्री के कैप। सो डीएल हो गया, डीएल की वैल्यू आ गई। ई डॉट डीएल निकाल सकते हैं, ई डॉट डीएल की वैल्यू क्या आएगी, ये जो आई कैप वाली वैल्यू है उसे आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 40xy प्लस, अब ये जो आउटपुट आएगा ये स्केलर आएगा राइट, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x² को जो कि हो जाएगा 40x² 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को जो हो जाएगा 6। सो ई डॉट डीएल आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो गिवन पॉइंट है उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है हम इस दोनों को पॉइंट को पुट करेंगे, पहले इस पॉइंट को पुट करेंगे फिर इस पॉइंट को पुट करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। सो वी विल बी इक्वल टू वी क्यू माइनस वी पी, ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्यू के लिए पुट करिए पॉइंट्स, तो जब पॉइंट्स पुट करेंगे थोड़ा मैं कर देती हूँ, 40 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 40 इंटू टू हो जाएगा प्लस 40 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 40 इंटू फोर हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा वी क्यू। वी पी क्या हो जाएगा, वी पी के लिए हम क्या करेंगे, 40 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 40 राइट, सो माइनस ऑफ माइनस 40 हो जाएगा प्लस 40, देन वी आर गोइंग टू पुट यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सो प्लस 40x², तो माइनस 40 आ जाएगा एंड माइनस 6। सो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 × 4 राइट, सो यू विल बी गेटिंग आंसर इक्वल टू 106। सो ऐसे आप बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस ए। तो अगर एक स्फीयर है, स्फीयर की चार्ज डेंसिटी रो है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, टोटल चार्ज निकालना है। जो चार्ज डेंसिटी है उसे हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो इज द चार्ज डेंसिटी, उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³, आर क्या है, ए है, यहाँ पर रेडियस ए है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कूलम इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, वी ऑल नो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम लॉ इज एम्प्लॉयड इन, कूलम्स लॉ कहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में राइट, मैग्नेटोस्टैटिक्स वगैरह में कहीं इसका यूज नहीं है। इलस्ट्रेट द फोर्स बिटवीन प्लस 4c एंड माइनस 1c सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। सो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कूलम्स लॉ से, q1 q2 अपॉन 4πε₀r². सो 1 अपॉन 4πε₀ की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹, q1 गिवन है 4 एंड q2 गिवन है -1 राइट, सो आंसर आएगा माइनस में, r² गिवन है 1, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9×4 × −9×4×10⁻⁹। सो अगर मैं इसको 10⁻⁶ में रिप्रेजेंट करूँ तो इट वुड बी −36×10⁻⁶ राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस 2 कूलम एंड −5 कूलम एग्जिस्ट इन एयर, वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगी, 2 कूलम से अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊं तो अगर मेरे पास यहाँ 2 कूलम चार्ज है, −5 कूलम चार्ज है, फील्ड लाइंस जाएगी 2 से लेकर −5 तक, तो जो भी फील्ड लाइन आप देखते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है वो ही हमें डायरेक्शन बताता है। सो डायरेक्शन हो जाएगी 2 से लेकर −5 तक। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फील्ड लाइन बनाकर देख लीजिए डायरेक्शन किस साइड जा रही है। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं, इनको पहले कॉन्टैक्ट में लेकर आए, जैसे ही दो चार्जेस को कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे इनका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 2 नैनोकूलम प्लस −1 नैनोकूलम, ये चार्ज है, ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्विवेलेंट चार्ज क्या हो जाएगा, 1 नैनोकूलम। अब इनको दोबारा से सेपरेट करा तो दोनों हमारे जो स्फीयर्स हैं उनके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 0.5 नैनोकूलम एंड 0.5 नैनोकूलम राइट। सो अब 0.5 और 0.5 के बीच में हमें फोर्स निकालना है, सो क्या हो जाएगा, 0.5 × 0.5 × 9×10⁻⁹ और कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर, सो इट वुड बी 0.4 मीटर × स्क्वायर। जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे 1.404 आंसर आएगा, ट्राई करिए फाइंड आउट करिए। अ चार्ज ऑफ 2×10⁻⁷ इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, डिटरमाइन द डिस्टेंस टू द अदर चार्ज ऑफ 4.5×10⁻⁷ राइट। सो अब हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, फोर्स गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, बोथ द चार्जेस आर इन वैक्यूम। सो अब क्या करेंगे, फोर्स को यहाँ पुट कर देंगे, 0.1 है, दो चार्जेस की वैल्यू गिवन है 2×10⁻⁷ −7 ×
4.5 × 10⁻¹⁷ अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा 1/4 πε₀ की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹। सो अब क्या करना है आपको, रीअरेंज कर बस सिंप्लीफाई करना है। आर स्क्वायर आ जाएगा 2 × 4.5 × 9 × 10⁻¹⁹, यहाँ पर -14 हो जाएगा और +9 हो जाएगा तो -5 बचेगा। एंड दिस इज हाउ, अब क्या करना है आपको, अपॉन अंडर रूट अपॉन 0.1 है, सो ये 0.1 को आप ऊपर लेकर जा सकते हैं, पावर हो जाएगी -4 और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो जैसे आप अंडर रूट निकालेंगे आपके पास आर की वैल्यू आएगी 0.09। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ चार्ज Q1 द इफेक्ट ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q1 विल बी। अगर मेरे पास एक चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 और Q2 दोनों का अगर फोर्स हम देखें तो F1 + F2 दोनों का फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 0। सो F1 क्या हो जाएगा, -ऑफ F2, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज। फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज 3 कूलम इन फील्ड 1 वोल्ट पर मीटर। सो फोर्स निकालना है, चार्ज गिवन है, फील्ड गिवन है, फोर्स क्या हो जाएगा Q × E। सो Q क्या है, Q है हमारा 3 कूलम, 3 कूलम इंटू 1 वोल्ट पर मीटर, सो आंसर आ जाएगा 3। वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम अ चार्ज 2 × 10⁻⁶। तो हमारे पास चार्ज गिवन है 2 × 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू अपॉन 4 πε₀ r². सो 4 πε₀ की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और r क्या है 20 cm, जिसे लिखेंगे 0.2 m, सो 0.2 ×² राइट। सो पिछले केस में आई गेस मैंने 2 cm को 0.2 लिख दिया था, उसे 0.02 कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। सो जब आप इसको आंसर निकालेंगे आपके पास आएगा 4500000, राइट। नाउ आई एम लीविंग आउट कैलकुलेशंस ऑन यू, क्योंकि यहाँ पर ना तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ ना मैं कैलकुलेशंस निकाल रही हूँ, आई एम लीविंग इट ऑन यू, दीज आर द सिंपलर थिंग दैट यू कैन डू। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए दैट वी आर डिस्कसिंग। The field intensity of a charge defines the impact of the charge on a test charge placed at a distance. The field intensity is maximum at d is equal to 0 cm and minimizes at d increases. क्योंकि field intensity को कैसे लिखते हैं, electric field intensity होता है q upon 4 πε₀ r², right? So अगर मैं r को d लिख दूँ, so जैसे हम d increase करेंगे तो electric field minimize होएगी, राइट। एंड इट इज मैक्सिमम एट डी इज इक्वल टू 0, तो ये ट्रू केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफिनाइट लॉन्ग कंडक्टर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 πε₀ h A n, राइट। सो ये केस सही है। हम क्या करते थे, जो मैंने वीडियोस दिखाई हैं आपको, मेरे सारे वीडियोस में ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, बट यहाँ पर h की जगह आपको l मिलेगा, राइट, या आर मिलेगा। सो ई इज लैम्डा अपॉन 2 πε₀ r, सो ये ट्रू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद कर लीजिए, क्योंकि अब हमें डेरिवेशन नहीं देखनी है, सिंपली आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 ε। फॉर अ टेस्ट चार्ज प्लेस एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी अगर आर इन्फिनिटी है, तो अगर हमारे डिनोमिनेटर में इंफिनिटी चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ एच एंड द वेव डायरेक्शन। तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यही ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एच ई एंड वेव डायरेक्शन। तो अगर मैं H को इधर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, E को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वेव डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, सो दिस इज माय डायरेक्शन। सो ऐसे तीनों क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर रहती हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेफर टू एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है, रेशियो ऑफ फ्लक्स लाइन्स क्रॉसिंग अ सरफेस एंड द सरफेस एरिया, राइट। सो ये डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए।
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, यही पूछा गया है हमसे सिंपली. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द गॉज़स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट. सो ये भी स्टेटमेंट है ऑफ द गॉज़स लॉ दैट यू शुड रिमेंबर. सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द गॉज़स लॉ. गॉशियन सरफेस क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस. फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 25 यूनिट इन एयर. सो अब हमारे पास चार्ज डेंसिटी गिवन है, सिग्मा गिवन है, और हमें क्या निकालना है? डी निकालना है. सो डी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन ई होता है, ई होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन. सो डी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन. सो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, सिग्मा अपॉन टू. सिग्मा क्या है? 25. 25 अपॉन टू क्या हो जाएगा? 12.5. सो अगेन इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन. फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द लाइन चार्ज ऑफ रेडियस सिलेंडर इज द गॉशियन सरफेस. ठीक है, हमारे पास एक गॉशियन सरफेस है जो कि सिलेंड्रिकल है. अब रेडियस गिवन है 2 meter एंड द चार्ज डेंसिटी इज 3.14 यूनिट. सो नाउ अगेन हमारे को फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, डी निकालना है. लैम्डा अपॉन 2 pi रो हो जाएगा, एप्सिलॉन तो कट हो जाएगा यहाँ पर, इस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट हो जाएगा. सो लैम्डा अपॉन 2 pi रो. सो व्हाट इज लैम्डा? सो द चार्ज डेंसिटी इज 3.14, इसको पुट करा यहाँ पर, 2 इंटू पाई इज 3.14 इंटू, नाउ रो इज द चार्ज डेंसिटी. सो नाउ इट इज गिवन 2 meter. So when you put it, you will be getting the 0.25 as the answer. 1 upon 4 आएगा यहाँ पर. So 1 upon 4 will be equal to 0.25. If the radius of sphere is 1 upon 4 pi and the electric flux density is 16 pi, so find the total flux. So total flux, sphere की बात कर रहे हैं तो 4 pi r square d हो जाएगा. So 4 pi radius क्या है? 1 upon 4 pi. So 1 upon 4 pi square into now 16 pi is the electric flux density. So इसे multiply कर देंगे. So यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 4 into 16 into pi square upon 16 pi square. So 16 pi square cancel out हो जाएगा, answer बचेगा 4. So that is my flux. पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की. अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 nC इज लोकेटेड एट ओरिजिन, वॉट इज द पोटेंशियल एट 100. ठीक है, जब पॉइंट चार्ज को ओरिजिन में पुट करा तो अब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर को हम ले लेंगे 1. ओरिजिन क्या था? 0 0 0 0 0 0 0 से 100 के डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1. सो चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁹ एंड 1/4πε0 क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ अपॉन द डिस्टेंस. डिस्टेंस हम ले लेंगे 1 square, राइट. सो सॉरी, यहाँ पर 1 ही होएगा, 1 square नहीं है. सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 18. सो सिंपली ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 equal point charges Q इज इक्वल टू 10 nC are located at 2, 3, 4, 5, 6 and 7 meter. Find the potential at the origin. तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर summation of Q, summation of R करना है. Potential क्या होता है? Summation of all of the potential. Potential due to 1, potential due to 2, potential due to up to 6. Right? So हम क्या करेंगे? Potential due to 1 निकालेंगे. Charge क्या है? 10 nC. 10 × 10⁻⁹ अपॉन 4πε0 ओरिजिन से लेकर 2 तक का डिस्टेंस क्या होएगा? 2 square, राइट. सिमिलरली हम क्या करेंगे? 10 × 10⁻⁹ अपॉन 4πε0 यहाँ पर 3 square. अप टू क्या करना है आपको? 10 × 10⁻⁹ अपॉन 4πε0 6 square. सो व्हाट यू विल बी डूइंग? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप कर देंगे 10 × 10⁻⁹ को कॉमन ले लेंगे, 4πε0 को कॉमन ले लेंगे. सो 10 × 10⁻⁹ × 9 × 10⁻⁹ बचेगा क्या? 1/2² + 1/3² + 1/4² + 1/5²
प्लस वन अपॉन सिक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सेवन स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 143.35। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसका मेथड। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर डीएल वेक्टर निकालने वाले हैं। डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, राइट। सो ई डॉट डीएल निकालेंगे, ई डॉट डीएल क्या हो जाएगा, 40xy प्लस 40x स्क्वायर प्लस 6। अब क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम द पॉइंट 213, फ्रॉम द पॉइंट 1-10 से पॉइंट 213 तक। सेम क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, आंसर आएगा 106। द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल टेकन बिटवीन टू पॉइंट अक्रॉस अ रेजिस्टर। रेजिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टर में जो हमारा वर्क है वो डिसिपेट होता है, पावर डिसिपेट होती है। तो अगर हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल देखें तो वो नेगेटिव होगा क्योंकि पावर डिसिपेशन हो रहा है इसमें। द वोल्टेज एट एनी पॉइंट इन एन एसी सर्किट वुड बी, एसी सर्किट है तो हम यहाँ पर वोल्टेज को आरएमएस वोल्टेज से डिनोट करते हैं। द गॉशियन सर्फेस ऑफ अ लाइन चार्ज, अगर लाइन चार्ज है तो गॉशियन सर्फेस हम सिलेंड्रिकल लेते हैं। द गॉशियन सर्फेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, इसे हम स्फीयर लेते हैं। द वर्क डन बाय चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम विद अ पोटेंशियल ऑफ 4.386। तो वर्क डन निकालना है तो चार्ज इंटू पोटेंशियल कर देंगे। चार्ज क्या है, 10 माइक्रो, 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। सो पोटेंशियल क्या है, 4.386। तो अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर को निकालना है माइक्रो जूल में, तो आ जाएगा आंसर 43.86, राइट। यही है हमारा करेक्ट आंसर। गॉज़ेस लॉ कैन नॉट बी यूज टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। गॉज़ेस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली चार्ज निकाल सकते हैं क्योंकि गॉज़ेस लॉ में चार्ज ही इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस होता है, बट परमिटिविटी नहीं निकाल सकते। परमिटिविटी एक कॉन्स्टेंट होता है, सो इट कैन नॉट बी फाउंड विद द गॉज़ेस लॉ। गॉज़ेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है गॉज़ेस लॉ, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। सो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, सो ये आप याद रख सकते हैं। द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट द इंटरफेस, स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, डी एन वन माइनस डी एन टू, इट इज इक्वल टू रो एंड इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो मीन्स ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिपेंड करता है रो पर, so which means it is continuous, our statement true hai. The tangential component of electric field intensity is always continuous, et1 hamesha et2 ke equal hoti hai, to ye statement bhi true hai. Gauss's law can be evaluated in which coordinate system, ab ye to depend karega gaussian surface par, agar gaussian surface aapne spherical liya hai to aap spherical coordinate system use karenge, cylindrical liya hai to aap cylindrical coordinate system use karenge. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस डिपेंड करती है आपके ऊपर, गॉशियन सरफेस के ऊपर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ही, सो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो ये कैसा रिलेशन है, लीनियर, एप्सिलॉन तो कॉन्स्टेंट है। गॉज़ेस लॉ कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, स्टोक्स थ्योरम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इसे डाइवर्जेंस थ्योरम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है, राइट। सो इसे हम डेल डॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट डी डी वी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट स्टोक्स थ्योरम से इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डिफरेंशियल, इंटीग्रल और पॉइंट फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है गॉशियन लॉ का, राइट। सो आपने आई होप मेरी वीडियोज देखी होंगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। इसके ऊपर तो हम फॉर्मूलाज भी, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर क्वेश्चन कर चुके हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ वी, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 यूनिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, 3 यूनिट गिवन है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। सो 3 इज इक्वल टू वी अपॉन, डिस्टेंस क्या है 2, सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, दैट इज 6। सो ये भी हमने निकाल लिए, कैसे हम 6 आंसर लाएंगे। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट
4, 3, -6 फॉर द फंक्शन। तो अब हमारे पास v गिवन है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट कर देंगे। सो v हो जाएगा 2 × x² 4² × y 3 + 5 × -6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 66। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सराउंडिंग अ मटेरियल विद फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 2xyz प्लेस्ड इन ट्रांसफॉर्मर ऑयल। सो एप्सिलॉन r गिवन है एट द पॉइंट, पॉइंट लोकेशन गिवन है, राइट, इन 10⁻¹⁰ हमें निकालना है। सो d क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू e। सो नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 2xyz। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को गिवन पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 × 1 × 2 × 3, राइट। सो नाउ ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.2 × 2 × 1 × 2 × 3, राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमें निकालनी थी, डी आ जाएगा इस फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे तो आपके आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन 10⁻¹⁰। सो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, ये आंसर गलत गिवन है, आप देख लीजिए मल्टीप्लाई कर आंसर क्या आता है। इफ पोटेंशियल वी इज इक्वल टू 20 / x² + y² इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर वी इज, नाउ वी हैव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल गिवन है, इसका हमें ग्रेडियंट निकालना होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट निकालना होगा। सो आप इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 / x² + y² होल स्क्वायर xi कैप + 40 / x² + y² होल स्क्वायर j कैप। इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन होएगा और यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन है, वो कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव बन जाएगा। सो नाउ दिस इज द ट्रू आंसर। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज टू कूलम हैविंग अ पोटेंशियल v इज इक्वल टू 24 वोल्ट। तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, सो 2 कूलम × 24, दैट इज 48, वर्क डन हो जाएगा 48। पोटेंशियल गिवन है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट द पॉइंट 6, −2.5 and 3। तो अब क्या करेंगे, इस पोटेंशियल को नेगेटिव ग्रेडियंट निकालेंगे, सो माइनस डेल ऑफ वी निकालेंगे। सो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे। सो −del v / del x माइनस यहाँ पर आई कैप आ जाएगा, del v / del y यहाँ पर जे कैप आ जाएगा, −del v k cap / del z। सो अगेन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, आप क्या करिए, इस v को पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। जब आप आंसर में ये गिवन पॉइंट पुट कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है बट लेंथी है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड d इज इक्वल टू एप्सिलॉन e, द करेक्ट एक्सप्रेशन विच इज एनालॉगस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो b इज इक्वल टू μh, ये हमारा एनालॉगस इक्वेशन है, आपको याद होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ डायपोल। डायपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर मेरे पास चार्ज q और माइनस q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r है, ये मेरा बना देगा डायपोल। द पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट द पॉइंट p फ्रॉम इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट द चार्जेस। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p निकालना है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ द चार्जेस के इक्वल। एक चार्ज का क्यू का पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस क्यू का पोटेंशियल निकालेंगे और उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल विद इक्वल चार्ज 2 कूलम एंड −2 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 cm। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, सो 2 × डिस्टेंस 2 cm है, तो 0.02 लिख सकते हैं, तो 2 × 0.02 हो जाएगा 0.04।
फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल व्हेन द एंगल सबटेंडेड बाय द टू चार्जेस एट द पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर. तो पोटेंशियल निकालना है डायपोल की वजह से. पोटेंशियल का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, एम कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. एम क्या है? डायपोल मोमेंट. सो थीटा यहाँ पर गिवन है, थीटा है 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा 0, वी हो जाएगा 0 सिंपली. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ 4 कूलम फॉर्मिंग अ डायपोल विद द डायपोल मोमेंट ऑफ 6 यूनिट. सो डायपोल मोमेंट 6 गिवन है, चार्ज गिवन है 4 कूलम है, हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट. सो डिस्टेंस हो जाएगा 6 अपॉन 4 विच इज 1.5. द पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस विल बी. मिड पॉइंट पे देखें तो मिड पॉइंट पर क्या होएगा? मिड पॉइंट पे जो आर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और पोटेंशियल इंफिनिटी हो जाएगा. डायपोल्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरगो, डायपोल्स क्या करते हैं? पोलराइजेशन करते हैं. डायपोल मोमेंट आर यूज टू कैलकुलेट द पोलराइजेशन पैटर्न. दिस थिंग यू कैन रिमेंबर. द परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस. क्योंकि पोटेंशियल इक्वल है, वर्क डन क्या होता है? डिफरेंस इन पोटेंशियल वी वन माइनस वी टू इन टू द गिवन चार्ज, राइट. सो जब ये दोनों वी वन और वी टू इक्वल हैं तो वर्क डन हो जाएगा 0. सो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज वुड बी 0, दैट इज ट्रू, अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेस है. द चार्ज विद इन अ कंडक्टर विल बी, कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज नहीं रहता है, सारा चार्ज क्या करता है? सरफेस पर मूव आउट कर जाता है. तो विद इन अ कंडक्टर द चार्ज वुड बी 0. द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द टू लॉज, एम्पेयर लॉ एंड द गॉज लॉ. एम्पेयर लॉ कौन सा होता है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस. और गॉज लॉ क्या होता है? डेल डॉट जे इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. दिस इज द गॉज लॉ. तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, मैंने डेरिवेशन में आपको दिखाया है कैसे एम्पेयर और गॉज लॉ से हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है, विच इज डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी. फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड गुड. कंजर्वेटिव फील्ड के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 आता है. मतलब वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ वुड बी 0. ये है हमारा कंजर्वेटिव फील्ड. जब भी हमारा वर्क डन इन अ क्लोज पाथ 0 जाता है, विच मीन्स कंजर्वेटिव है. द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ विच क्वान्टिटी इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट द बाउंड्री. डी का नॉर्मल कॉम्पोनेंट डिसकंटिन्यूअस होता है. डी एन वन माइनस डी एन टू क्या होता है? रो के इक्वल. सो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ सरफेस विद परमिटिविटी ऑफ 2 इज गिवन बाय 12. वॉट इज द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द सर्फेस इन एयर. सो नाउ हेयर वॉट इज गिवन. एक तो कॉम्पोनेंट हमारे पास एयर गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है. सो डी टी वन, लेट सपोज अगर हम उसे गिवन मीडियम ले रहे हैं, उसे 12 लिख देते हैं, अपॉन नाउ विद द परमिटिविटी इसका गिवन है 2. एयर का परमिटिविटी 1 होता है, डी टी टू हमें निकालना है. डी टी टू क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 2 विच इज 6, राइट. सो सिंपली यू कैन फाइंड आउट. सेम ही टाइप का क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सरफेस विद परमिटिविटी 3.5 इज 18. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 18, ई एन वन को अगर हम 18 ले लेते हैं, तो यहाँ पर परमिटिविटी क्या है? एयर की परमिटिविटी 1 है और इसकी परमिटिविटी गिवन है 3.5. यहाँ पर लिखेंगे 3.5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द EN2. तो EN2 क्या हो जाएगा? 18 × 3.5. तो आंसर आ जाएगा 63. अ वेव इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एट एन एंगल 60 डिग्रीज हैविंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 6 यूनिट. द रिफ्लेक्टेड वेव एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो बिफोर रिफ्लेक्शन फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 6 यूनिट. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 30 डिग्री. सो साइन ऑफ 30 हो जाएगा. E2 क्या है? E2 हमें फाइंड आउट करना है. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सॉरी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था, तो साइन 60 हो जाएगा. यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास E2 आ जाएगा 10.4. फाइंड द परमिटिविटी ऑफ अ सरफेस व्हेन अ वेव इंसिडेंट एट एन एंगल 60 इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस एट 45 डिग्री इन द एयर. सो नाउ 10 ऑफ 60 अपॉन 10 ऑफ
45 will be equal to, now here it is reflected, that is theta 2, तो यहाँ पर E1 upon 1 आ जाएगा. So tan of 60 upon tan of 45, 1 होता है, tan of 60 होता है root 3, which is 1.73. So E1 आ जाएगा tan of 60, which is under root 3, that is 1.73. Biot-Savart law in the magnetic field is analogous to which law in electric field? It is analogous to Coulomb law. According to the Biot-Savart law, H is equal to Idl sin theta upon 4 pi r square. Same ही हमारा type में Coulomb's law represent होता है. Which of the following cannot be computed using the Biot-Savart law? Electric field intensity नहीं use कर सकते. आप देख रहे हैं यहाँ से हम magnetic field intensity, magnetic flux density या permeability compute कर सकते हैं. In a static magnetic field only, magnetic dipoles exist, right? So यहाँ पर जब भी हमारे पास magnetic dipole की बात आए, कहीं भी magnetic dipole ही होंगे, चाहे static field हो, चाहे कैसी भी field हो, right? So always and always magnetic dipoles will be existing. Magnetic monopoles कहीं exist करते ही नहीं है. So magnetic field intensity will be zero inside a conductor. This is false. Magnetic field intensity conductor के अंदर zero नहीं होती, even maximum हो जाती है, so false. For a time-varying current, the field or wave will be electromagnetic. जैसे ही time-varying current आता है, हमारे पास EM waves generate होने लग जाती हैं. According to the Faraday law, EMF stand for, EMF is electromotive force. तो जैसे ही हमारे पास change in flux आता है, उससे force generate होता है. Due to the change in flux, we are generating force, and this is called the Faraday law. The induced voltage will oppose the flux producing it, right? जो voltage induce होती है, वो जो फ्लक्स इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसी को ही अपोज करती है, दैट इज द लेंज़स लॉ. फाइंड द फोर्स ड्यू टू द करंट एलिमेंट ऑफ लेंस 2 सेंटीमीटर एंड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 12. सो करंट एलिमेंट की लेंथ गिवन है, हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी बी गिवन है, करंट ऑल्सो गिवन है. तो हमारे पास फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बी आई इंटू एल. सो बी इज गिवन 12, आई इज गिवन 5, एंड आई विल राइट इट नीटली. So 12 into 5 into 0.02. So this is how you can multiply and you can find the answer to be 1.2 Newton. The potential point form of Ampere's law. Point form of Ampere's law क्या होता है? Del cross H is equal to J. Del cross H को कैसे लिखते हैं? Curl of H is equal to J. Find the magnetic flux density of a finite length of conductor of radius 12 centimeter and current 3 ampere in air. So now हमें क्या करना है, B होता है mu into H, H है I upon 2 pi R. So हमें क्या करना है, यहाँ पर H की वैल्यू पुट कर देनी है, B हो जाएगा mu I upon 2 pi R. Right, so अब क्या क्या गिवन है हमारे पास, mu की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 4 pi into 10 raised to power minus 7, right? I की वैल्यू गिवन है 3 ampere है, I की वैल्यू 3 ampere पुट करिए, mu की वैल्यू पुट करिए, and the radius is also given 12 centimeter. तो इसको 0.12 पुट करिए, find कर लीजिए आंसर B. So जब आप B find out करेंगे आंसर आएगा 5. Divergence of which quantity will always be zero? Del dot B will always be zero. Find the Maxwell's equation derived from Faraday's law. Faraday's law से Maxwell equation derive होती है, del cross E is equal to minus del B by del T, right? So यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो magnetic field, changing magnetic field होती है, वो electric field produce कर देती है, right? So this is the Faraday's law. In which of the following form can Maxwell's equation not be represented? Maxwell's equation हमेशा time varying quantity के लिए represent होती है, differential, integral, harmonic form में represent हो सकती है, but static कभी भी नहीं represent हो सकती है. The magnetic flux density is directly proportional to the magnetic field intensity. Obviously right है, B is equal to mu H होता है, तो दोनों directly proportional है, mu तो constant होता है. Identify which of the following is the unit of magnetic flux density, Tesla. The divergence of H will be del dot B zero है, so del dot mu H will be zero, mu तो constant है, तो del dot H will be equal to zero. Divergence of H क्या हो जाएगा, zero. Find the magnetic flux density of the material with magnetic vector potential. Magnetic vector potential given है, तो magnetic flux density निकाल सकते हैं आप, B हो जाएगा del cross A. So del cross A हम निकाल सकते हैं, del by del X, del by del Y, del by del Z, और यहाँ पर Z वाले third वाले column, third वाले column में क्या होगा, first में होगा I, J, K, यहाँ पर हो जाएगा A की value. Y, Z, X.
नाउ आपको कर्ल की वैल्यू खोलनी आती है, डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, जब आप निकालेंगे माइनस आई माइनस जी माइनस के आंसर आएगा। द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, अभी हमने देखा था मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, तो वेक्टर और नाम में भी वेक्टर आ रहा है, तो इट इज फॉल्स। द लाप्लाशियन ऑफ अ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल विल बी, लाप्लाशियन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डेल स्क्वायर होता है माइनस म्यू जे, आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड द वेक्टर पोटेंशियल, सो बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, राइट, सो ए वेक्टर है यहाँ पर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन द चार्ज ऑफ 2 कूलम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 6 यूनिट, सो फोर्स होता है क्यू इंटू ई, क्यू गिवन है 2 एंड ई इज 6, सो फोर्स हो जाएगा 12। फाइंड द लॉरेंट्स फोर्स ऑफ अ चार्ज 2.5 कूलम हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 यूनिट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.25 यूनिट विद वेलोसिटी ऑफ 1.5, सो फोर्स क्या हो जाएगा, 2.5 है कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 5 यूनिट प्लस वी इंटू बी, सो वेलोसिटी गिवन है 1.5 इंटू बी गिवन है 7.25, तो अब आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, 2.55 प्लस 1.5 इंटू 7.25, आंसर आएगा 39.68। When the current are moving in the same direction in the two conductors, then the force would be, जब करंट सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है इन द टू वायर्स। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द कंडक्टर हैविंग लेंथ 60 सेंटीमीटर, करंट 2.75 एम्पेयर एंड द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 9, सो बी आई एल साइन थीटा यूज करेंगे। सो यहाँ पर बिकॉज नाउ हेयर वी आर नॉट नोइंग द थीटा, मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे जो कि हो जाता है साइन 91, सो बी इज गिवन, फ्लक्स डेंसिटी गिवन है 9, करंट इज गिवन है 2.75 एम्पेयर एंड द लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, जिसको लिखेंगे 0.6, तो जब आप निकालेंगे 14.85 आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है इमेजिनरी, मैग्नेटिक लाइन फोर्स पर जो टेंजेंट होता है वो देता है हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। द टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कंटिन्यूअस एट द बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन, एच टी वन इज इक्वल टू एच टी टू होता है, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन वुड बी सेम, एच एन वन विल बी एच एन टू, राइट, सो डिपेंडिंग अपॉन एनी मीडियम वुड बी देयर, एच एन वन विल बी इक्वल टू एच एन टू। अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू मैग्नेटिक मटीरियल इज आइडेंटिफाइड बाई विच फैक्टर, अगर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री है तो वहाँ पर चेंज इन द परमिएबिलिटी होगा, एक बाउंड्री के नीचे वाला जो मटीरियल और ऊपर वाले मटीरियल में परमिएबिलिटी का डिफरेंस आना चाहिए। द फर्स्ट मैक्सवेल्स लॉ इज बेस्ड अपॉन फैराडे एंड द लेंज़ लॉ, फर्स्ट मैक्सवेल्स लॉ इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, दोनों फैराडे और लेंज़ लॉ पे बेस्ड है। द बेनिफिट ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन इज दैट एनी पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू दीज मैक्सवेल्स इक्वेशंस, व्हेन द मैक्सवेल्स इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन देन विच सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डी बाई डी टी को हम जे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन विच लॉ, इट इज बेस्ड अपॉन एम्पेयर्स लॉ, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, द मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन दैट इज वैलिड इन एनी कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी हो जाता है, अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे डी हो जाएगा। एन इम्प्लीकेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, राइट, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही डिराइव होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन, सो डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी क्या होता है डेल डी बाई डेल टी, फ्रिक्वेंसी डोमेन में डेल बाई डेल टी को जे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और डी को एप्साइलन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सो डेल बाई डेल टी हो जाएगा जे ओमेगा ई, डी हो जाएगा एप्साइलन ई, सो जे डी हो जाएगा जे ओमेगा एप्साइलन ई। नाउ बोथ द कंडक्टर कंडक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी को एग्जिस्ट इन विच मीडियम, तो कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो कंडक्टर विच आर प्लेस्ड इन एनी डायलैक्ट्रिक मीडियम, दोनों मीडियम होने चाहिए, कंडक्टर भी होना चाहिए डायलैक्ट्रिक मीडियम भी होना चाहिए, कंडक्टर को डायलैक्ट्रिक मीडियम के अंदर प्लेस कर देंगे तो हमारे पास दोनों टाइप के करंट आ जाएंगे। द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय द डाइवर्जेंस ऑफ डी, रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी, राइट, ये तो हम फॉर्मूला देख ही चुके हैं गॉसेस लॉ से। विच इक्वेशन विल बी ट्रू, डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो क्योंकि डेल डॉट बी जीरो है, ये तो हम अभी ऑलरेडी भी देख चुके हैं।
विल डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल. मैग्नेटिक मोनोपोल कभी नहीं बनेंगे, ये याद रख लीजिएगा. कुछ भी कंडीशन है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है तो कंडक्टर्स बन जाते हैं, बट देन इन कंडक्टर ऑल्सो हमेशा हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल रहते हैं, कभी भी मोनोपोल नहीं होता है. द रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल, क्यों मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी स्प्लिट. क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कन्फाइंड रहती है दो पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में. इट कैन नॉट बी स्प्लिट, सो वी कैन से मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं. आई होप आपको सब समझ आया होगा. किसी भी क्वेश्चन में स्टिल अभी कुछ डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा है. अगर सेशन अच्छा लगा है, लाइक करा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू सो मच.